और आप देखिए ये स्क्रीन और ये प्रिंट आउट, ये स्क्रीन और ये प्रिंट आउट। तो देखा आपने, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये प्रिंटर्स हैं। आप ऐसा प्रिंट आउट इनसे हाई एचडी में निकाल पाएंगे। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, अगर आप एक नया प्रिंटर लेने की सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किया है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हाथी बांधना बहुत आसान होता है, उसे खिलाना बहुत मुश्किल होता है। प्रिंटर्स के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक तो हम इतने महंगे प्रिंटर्स की भीड़ में यही नहीं समझ पाते कि अपने लिए कौन सा प्रिंटर चूज करें, और उस पर अगर हम अपनी जेब में बोझ डाल के एक महंगा प्रिंटर ले भी आते हैं तो उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट इतनी महंगी होती है कि समझो हमारा दिल ही बैठ जाता है, और कहीं कभी कभार कलर प्रिंट आउट निकालना पड़ गया तो गए समझो। दोस्तों, प्रिंटर खरीदते समय हम दो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, हम ऑल इन वन के चक्कर में, सब कुछ के चक्कर में इतने महंगे प्रिंटर्स खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती, और दूसरी, सस्ते के चक्कर में कभी कभी हम ऐसे प्रिंटर्स खरीद लेते हैं जिनकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत महंगी होती है। पर दोस्तों, अब टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए तीन ऐसे प्रिंटर्स लेके आया हूं जो सस्ते तो आते ही हैं पर उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट सोच के देखिए कितनी बढ़ती होगी। मैं बताता हूं, अगर आपने उससे एक ब्लैक पेज का प्रिंट आउट निकाल लिया, यानी कि एक ब्लैक प्रिंट आउट निकाल लिया, तो आपकी जेब पर पड़ने वाला है पूरे 8 पैसे का बर्डन। और कहीं गलती से आपने कलर प्रिंट आउट निकाल लिया तो आपको हल्के करने पड़ेंगे पूरे 21 पैसे। है ना कमाल की बात? यानी कि अब 1 रुपए में आप लगभग 10 से भी ज्यादा ब्लैक प्रिंट आउट और 5 कलर प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। तो इन प्रिंटर्स को आप ऑफिस में यूज करिए, घर में यूज करिए, शॉप में यूज करिए, बिजनेस के लिए यूज करिए, या फिर अपने स्कूल कॉलेजेस के प्रोजेक्ट निकालिए, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर जितने मर्जी उतने निकालिए, आपकी जेब पर बर्डन नहीं पड़ने वाला। तो चलिए आपको बता दें कि वो कौन से 3 मैजिक प्रिंटर्स हैं। पर उसके पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए और मन हो तो लाइक कर दीजिएगा। और जिनको भी प्रिंटर्स की जरूरत है या जो अभी तक आपके फ्रेंड्स प्रिंटर लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपसे पूछ चुके हैं कि यार एक प्रिंटर लेना है, कौन सा प्रिंटर लें, उनको ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। प्रिंटर्स दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तीनों ही सिंगल फंक्शन प्रिंटर्स हैं, यानी कि ये आपको प्रिंटिंग देंगे, स्कैन नहीं करेंगे। स्कैन करना जरूरत भी नहीं है हमें स्कैनर की, उसके लिए आप अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छी स्कैनिंग कर सकते हैं। प्रिंटर यानी कि जो ऑल इन वन प्रिंटर्स होते हैं जिनमें स्कैनर इनबिल्ड होता है, उससे तो आप एक लिमिटेड पेज का प्रिंट स्कैन कर सकते हैं, पर फोन की मदद से आप जितना मर्जी उतने बड़े पेज को स्कैन कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, यहां आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो आपको स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं प्रिंटर्स के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं हमारा पहला प्रिंटर कौन सा है। हमारा पहला प्रिंटर है कैनन की तरफ से, ये कैनन पिक्समा 1010, कैनन पिक्समा G1010। दोस्तों, यहां पर एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ये तीनों प्रिंटर्स काम कैसे करते हैं, कैसे ये हमको इतनी अच्छी प्रिंट क्वालिटी देते हैं वो भी कम पैसे में। इन प्रिंटर्स में इंक टैंक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 3 टैंक कलर प्रिंट आउट के लिए और ये ब्लैक के लिए लगा हुआ है, यानी कि इसमें बहुत कम कॉस्ट पे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इंक खत्म नहीं होती जल्दी। और दूसरी बात यह कि इसमें आपको बार बार कार्टिजेस नहीं बदलनी पड़ती, जिससे कि आपको सस्ता प्रिंट आउट देते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। तीनों ही प्रिंटर में यह टेक्नोलॉजी काम करती है जो मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं। दोस्तों, गजब की प्रिंट क्वालिटी देने के साथ साथ इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी बहुत सस्ती पड़ती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पहली बात तो यह कि इनकी इंक, जो टैंक की इंक होती है, जल्दी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर खत्म हो जाए तो आप उनको रिफिल भी कर सकते हैं। इनकी बॉटल्स अलग से आती हैं, जो आपके बजट में आती है, बहुत सस्ती पड़ती है, बहुत महंगी नहीं पड़ती।
दोस्तों जैसे कि आप वीडियो के शुरुआत में देख चुके हैं कि इस प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी कितनी अच्छी है, फिर भी मैं आपको एक लाइव डेमो अभी दिखाऊंगा कि ये कैसे प्रिंट निकालता है, कैसी उसकी क्वालिटी है और कितनी जल्दी ये प्रिंट को निकाल देता है। ये प्रिंटर खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। और इस प्रिंटर की कॉस्ट केवल 8,380 रुपये, ये प्रिंटर आपको 8,380 रुपये का पड़ता है और साथ में आपको EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे प्रिंटर के बारे में, जो है हमारा एप्सन L130। इस प्रिंटर में भी इंक टैंक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और ये भी हमारे पिछले प्रिंटर की तरह ही बहुत गजब की प्रिंटिंग क्वालिटी देता है। इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ती है वो 7 पैसे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटआउट की, और कलर प्रिंटआउट की कॉस्ट पड़ती है 18 पैसे पर प्रिंटआउट। इसमें भी सेम आपको ऊपर से यहां पेपर लगाना है और सामने से ये प्रिंटआउट निकालता है। वैसे तो इसकी इंक भी बहुत लंबे समय तक चलती है, लेकिन इंक खत्म हो जाने पर आप इसके टैंक को इस तरह से बॉटल से रिफिल भी कर सकते हैं। यहां पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि इन प्रिंटर्स की एक स्पेशलिटी और भी है कि इसमें आप अगर आप बहुत ज्यादा प्रिंटआउट नहीं निकालते हैं, रेयरली प्रिंटआउट निकालते हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि इसकी इंक सूख जाएगी या कार्टेज सूख जाएगी। आप हफ्ते में अगर एक प्रिंटआउट भी निकालते हैं तो ये बढ़िया चलते हैं, इनकी इंक ना तो सूखती है ना ही कार्टेजेस खराब होती है। ये एप्सन का L130 प्रिंटर आपको पड़ेगा 7,690 रुपये का। इसको भी आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं और घर मंगवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रिंटर की तरफ, जो है हमारा HP का बड़ा ही कॉम्पैक्ट सा प्रिंटर HP 115। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भी इंक टैंक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। यहां आप सामने टैंक देख सकते हैं जो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट सारे कलर्स के लिए है, और ये प्रिंटर बड़ा ही पोर्टेबल सा है। इस प्रिंटर की भी क्वालिटी बहुत ही गजब की है और सेम टेक्नोलॉजी इसमें भी यूज़ की गई है। ये प्रिंटर भी आप ऊपर से पेपर इस तरह से लगा करके सामने से प्रिंटआउट निकालता है। इस प्रिंटर में आपको 10 पैसे पर पेज ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटआउट और 18 पैसे पर पेज का कलर प्रिंटआउट मिलेगा, और ये प्रिंटर मात्र 7,180 रुपये में आप घर मंगवा सकते हैं। तीनों ही प्रिंटर्स की डिलीवरी फ्री है और तीनों ही प्रिंटर्स में आपको 1 ईयर की गारंटी मिलेगी, वो भी ऑन साइट। आपको बस कॉल करना है और आपको घर पर ही सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, चाहे वो गारंटी की हो या वो किसी और तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम की सर्विसेज हो। दोस्तों तीनों ही प्रिंटर्स आप कैश ऑन डिलीवरी से भी मंगा सकते हैं और EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो चलिए अब आपको एक लाइव प्रिंटआउट निकाल करके दिखा देते हैं कि कैसा इसका प्रिंटआउट है, कितना टाइम लेता है प्रिंटआउट निकालने में और क्या उसकी क्वालिटी है। तो चलिए लाइव चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लाइव इसकी प्रिंटिंग करके दिखाता हूं और लाइव क्वालिटी दिखाता हूं कि कैसे इसकी प्रिंटिंग निकल के आती है प्रिंटर की। तो ये देखिए मेरा लैपटॉप है और यहां पर मैंने अपना चैनल का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और इस स्क्रीनशॉट को निकालेंगे हम लोग इस A4 साइज पेपर पे। मैंने यहाँ पर ग्लॉसी पेपर लिया हुआ जिसे फोटो पेपर भी बोलते हैं, और ये एक स्टिकर है, आप नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं। आप जैसा पेपर लेंगे वैसी इसकी क्वालिटी जो है वो दिखाई देगी। तो चलिए इस पेपर को डालते हैं इस प्रिंटर में, कुछ इस तरह से रखेंगे। ये देखिए ये फिट हो गया, यहाँ पर रखते हैं और इसके बाद बस हमें प्रिंटर को ऑन करना है और यहां से हमें कमांड देनी है प्रिंट आउट के लिए। तो हम जाएंगे यहां फाइल में प्रिंट प्रीव्यू। अब चूंकि हम फोटो लग निकाल रहे हैं तो फोटो की क्वालिटी देंगे, लैंडस्केप ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर ले। देखिए हम यहां से इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको फोटो प्रिंटिंग में लगा देते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड को हाई कर देते हैं और पेपर चूज कर लेते हैं A4 साइज। और अब आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाते हैं। ये देखिए प्रिंटर ने कमांड ले ली है और अब यहाँ से प्रिंट जो है वो निकल के आ रहा है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्रिंट आउट है। ऐसा लगेगा कि ये देखिए स्क्रीन पे जैसा आप देख पा रहे हैं
एग्जैक्टली बिल्कुल आपको ऐसे ही यहाँ प्रिंट पर भी दिखाई दे रहा होगा। अभी ये बाहर आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए ये बाहर आ चुका है और अब आप देखिए ये है आपका प्रिंट आउट, देख पा रहे हैं, और ये है स्क्रीन। तो देख रहे हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। इन तीनों ही प्रिंटर्स की क्वालिटी लगभग सेम है। मैंने ये प्रिंट आउट कैनन से निकाला है और आप देखिए ये स्क्रीन और ये प्रिंट आउट, ये स्क्रीन और ये प्रिंट आउट। तो देखा आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर्स हैं। आप ऐसा प्रिंट आउट इनसे हाई एचडी में निकाल पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से अब आपके प्रिंटर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अब आप अपना नेक्स्ट प्रिंटर अपने बजट में मंगा सकते हैं और बजट में ही प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रिंट आउट निकालते रहिए।